उसके बाद चंद्रशेखर आजाद समाज ने जिनको बहुत बड़ा बनाने का काम किया, आज वो क्या कर रहे हैं, आज वो सौदेबाजी कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के साथ में। चंद्रशेखर रावण को आप खारिज करते हैं बहुजन आंदोलन? चंद्रशेखर सिर्फ अपने लालच के लिए काम कर रहा है, वो सिर्फ MLA MP बनना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन में कोई उनका योगदान नहीं है। RLD जो है वो बहुजन समाज के लोगों को क्या करा, दलितों के साथ में क्या करते थे, उनके जो बाप दादा थे ना वो वोट नहीं डालने देते। उदित राज के सोशल कंट्रीब्यूशन को आप इनकार कर रहे हैं? आप मानवा काशीराम साहब की जो थ्योरी है उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। चाहिए आकाश आनंद तो घूम रहे हैं देश भर में, बिल्कुल घूम रहे हैं, बिल्कुल घूमना चाहिए, वो काम करना चाहिए, मगर एक प्लानिंग बननी चाहिए। जो और लोग भी हैं आकाश आनंद जैसे और भी तो लोग हैं बेचारे। तीन राज्यों के नतीजे आए हैं, दिल्ली MCD, गुजरात चुनाव, हिमाचल। BSP के खुद समर्थक ही BSP पर बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ युवा नेता एडवोकेट सुजीत सम्राट हैं, BSP के लोग ही BSP पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये डेमोक्रेसी में राइट्स होना चाहिए कि जब गलत होता है तो हम अपनी पार्टी में भी कुछ सवाल कर सकते हैं, पार्टी के नेताओं से सवाल कर सकते हैं। जैसे दिल्ली का मामला है, दिल्ली में सारी सीटों पर कैंडिडेट भी नहीं खड़े किए गए, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। जो लीडर्स हैं BSP के, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, जो प्रभारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल तो पूछे जाएंगे कि ऐसी कौन सी बात थी कि जहां 14.6% वोट रहा करता था, जहां हमारे दो विधायक थे और हमारे निगम पार्षद 17 निगम पार्षद हुआ करते थे, वहां पर आज ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि हमारे लोग टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग पार्टी में काम नहीं करते हैं ना, जो ना पार्टी की मदद करते हैं, वही पार्टी पर ज़्यादा सवाल उठाते हैं। बहन जी ने कम से कम इस देश में कोई बहुजन नेता है जिसका पार्टी, जिसकी पार्टी पूरे देश में हो, पार्टी दफ्तर हो, जिला में अध्यक्ष हो? देखिए, जो सवाल उठाएं, हम तो पार्टी पर विश्वास करते हैं, पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हैं, माननीय काशीराम साहब की सोच पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे दादाजी, पिताजी और हम लगातार बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और उनके विचारधारा से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। क्योंकि अगर एक ही देश के अंदर पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को सही रूप से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो फिर नहीं पार्टी तो और सफलता की वजह क्या देखते हैं? देखिए, और नहीं तो और जगह आप देखिए, और पार्टियों में देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भी नहीं ले सकते हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर राजेंद्र गौतम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का सिर्फ उच्चारण किया, उनको बाहर निकाल दिया गया। तो वहां पर आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं? देखिए, उन्होंने कि BSP अब चूक गई है बहन जी, अब पार्टी लगातार असफल हो रही है, वोट परसेंटेज गिर रहा है। देखिए, राजनीति में सफल होना और असफल होना ये चलता रहता है, मगर हाँ ठीक है, कुछ और चीज़ें की जा सकती हैं, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है जो नहीं हो पा रहा है। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हर पार्टी में, समय के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आकाश आनंद तो घूम रहे हैं देश भर में, बिल्कुल घूम रहे हैं, बिल्कुल घूमना चाहिए, वो काम करना चाहिए, मगर एक प्लानिंग बननी चाहिए। जो और लोग भी हैं आकाश आनंद जैसे और भी तो लोग हैं बेचारे, वो एक नेता है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी एक नेता से नहीं चलती है। हाँ, वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती, वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, मगर और भी तो नौजवान हैं, उनको भी लेना चाहिए। जो नौजवान साथ काम करना चाहता है, जो जिले साबित करे ना नौजवान अपने अपने इलाके में, अपने अपने जिले में। देखो, निर्दलीय जीत के आए, अगर आप में इतनी पोटेंशियल है, जब आप पार्टी आप पर निर्भर, आपको लगता है कि आप पर पार्टी निर्भर हो जाए, तो आप अपने अपने जिले से जीत के आइए, पोटेंशियल लगाइए। देखिए, इस देश में जहाँ जाति धर्म और चीज़ों की जहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है, वहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। पार्टी की एक ताकत होती है, पार्टी का एक प्लेटफॉर्म होता है, पार्टी की वोट्स होती हैं, पार्टी की विचारधारा होती है, इसलिए पार्टी से लोग करते हैं। नहीं तो ये जितने भी घूम रहे हैं सारे, ये बिना पार्टी के बनाए, क्यों बना रहे हैं पार्टियाँ? एक आदमी बिना पार्टी के जीते, जिग्नेश मेवानी निर्दलीय जीते ना, उसके बाद अब कहाँ, कांग्रेस में चले गए। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद समाज ने जिनको बहुत बड़ा बनाने का काम किया, आज वो क्या कर रहे हैं, आज वो सौदेबाजी कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के साथ में। अरे सर, तो बिना बीजेपी जैसी पार्टी गठबंधन करती है, इस पर एक बात बताइए। नहीं, रुके, बीजेपी पार्टी गठबंधन करती है, आपको लगता है कि बिना गठबंधन के आप चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, गठबंधन एक होता बराबरी का, सौदेबाजी करना, कहीं किसी के पैरों में जाकर डर अपने माथे को टेक लेना कि हाँ भैया भैया मुझे 2 सीट दे दो, आंसू निकालना ना सोशल मीडिया के ऊपर या पूरा। अरे सर, बीजेपी भी कभी एक पार्टी जी एक सीट जीत के आई थी। मानना यह है कि ऐसे लोग समाज के हीरो नहीं लगता, ये बात में इसमें घमंड ज्यादा है। बीजेपी एक सीट से आई थी, आम अभी बीजेपी 3 सीटों की पार्टी थी दिल्ली में। ऐसे लोग देश का या समाज का कभी हीरो नहीं बन सकते हैं, ये सेल्फ रेस्पेक्ट का मोमेंट है, ठीक है ना।
चंद्रशेखर रावण को आप खारिज करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट का मोमेंट है, जो आदमी अपने लिए काम करता है। पार्टी कोई भी हो, चंद्रशेखर रावण को आप खारिज करते हैं बहुजन आंदोलन। चंद्रशेखर सिर्फ अपने लालच के लिए काम कर रहा है, वो सिर्फ एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन में कोई उनका योगदान नहीं है। मतलब आप क्यों, आप क्या बनना चाहते हैं? वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। एमएलए एमपी बनना क्यों अपराध है? देखो, बनना अपराध नहीं है, मगर आप जिन लोगों के सहारा लेना चाहते हैं, बहुजन समाज का आदमी काम करेगा तो मैं भी एमएलए एमपी बनूंगा, बनना चाहता हूं। कौन नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? या तो आप सवाल कर लिए, फिर मेरे को जवाब दे दीजिए। वही तो पूछ रहा हूं, कैसे एमएलए एमपी बनने का इच्छा रखना कैसे खराब है? सब लोगों के गर्दन को काट कर, सब लोगों से फायदा लेकर और दूसरे लोगों से जो दुश्मन है उनकी आइडियोलॉजी से बात करके एमएलए भी बन के क्या करना चाहते हो? सिर्फ बीजेपी में, मतलब आपको लगता है कि देखिए आरएलडी समाजवादी पार्टी ये सब दुश्मन पार्टियां हैं? आरएलडी जो है वो बहुजन समाज के लोगों को क्या कराओ, दलितों के साथ में क्या करते थे? उनके जो बाप दादा थे ना, वो वोट नहीं डालने देते थे। आपको पता है इतिहास? पता सर, मैं इतिहास जानता हूँ। वैसे तो इस देश में आपको नहीं पता इतिहास? आप सत्ता में कैसे आएंगे? सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के बोर्ड से सत्ता में आ जाएगा? आप बराबरी का होता है, बराबरी का। तो क्या सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण समाज से तो गठबंधन कर लिया जाए? देखिए, आप बराबरी की बात करेंगे, ठीक बात है, आप बराबरी की बात नहीं करते हैं। आप ना वहीं जहां पर जूते पड़ते हैं, समाज में ही नहीं सिखाया जाता आंदोलन के आदमी। देखो, चंद्रशेखर अपने आपको आंदोलन का आदमी कहते हैं। अगर चंद्रशेखर जी का कोई और होता, मैं उसके लिए नहीं कहता। ऐसे तो मेरी बात सुन वकील साहब, नहीं हमेशा ऐसे तो इस देश में कोई ऐसी जातियां नहीं है जिसने एट्रोसिटी नहीं किया है एससी पर। तब तो आप किसी कम्युनिटी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे सर। देखिए, गठबंधन बराबरी का होता, मैं गठबंधन के लिए मने नहीं कर रहा हूं। अगर वो तुमको भी सम्मान दे रहा तो तुम सम्मान दो, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी रेस्पेक्टेड। अमन मिश्रा मुझे कह रहे थे कि कास्ट एट्रोसिटी की सिर्फ बात करेंगे तो गठबंधन ही नहीं होगा। अगर कोई तुम्हें सम्मान की बात करेगा तो अगर तो तुम भी तो सम्मान दोगे और वो भी सम्मान देगा। जहां पर तुमको निकाल दिया गया, भगा दिया गया, आपको आप रो रहे हैं सोशल मीडिया पर, पूरे मीडिया पे कि भैया ने मुझे भगा दिया। भैया तो यही आंदोलन का एक आरोप लगता है। देखिए, एक कहना रहेगा क्या सम्राट जी, एक आरोप लगता है एससी समाज के लोगों पर, एक आरोप लगता है एससी समाज के लोगों पर, पिछड़े समाज के लोगों पर, दलित समाज जो बहुजन समाज है। हम लोग अपने ही नेताओं की आलोचना करते हैं, हम लोग दुश्मन से नहीं लड़ पाते हैं। रावण आलोचना करेगा बीएसपी का, बीएसपी आलोचना करेगी रावण का, बावन विश्राम आलोचना करेगा बीएसपी का, बीएसपी आलोचना करेगी बावन विश्राम का। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, भाषाविद हैं, बहुजन समाज से हैं, कि अपने ही लोगों की टांग खींचना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये बहुजन समाज का स्वभाव है। देखो, मैं अपने लोगों की टांग नहीं खींचता, मैं अपने लोगों के सामने चेहरा दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का आपने उदित राउत का नाम सुना होगा, अपने लोगों की कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग करी और बाद में क्या हुआ? बाद में बीजेपी में जाकर सिर्फ एक सीट के लिए बीएसपी भी गठबंधन किया बीजेपी से, आप समझौता कर लिया। तो आप क्या, क्या बीजेपी, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए हमको राजनीति के रसायन शास्त्र को समझना पड़ेगा। आप मान्यवर उदित राज के सोशल कंट्रीब्यूशन को आप इनकार कर रहे हैं? आप मान्यवर कांशीराम साहब की जो थ्योरी है उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब की बराबरी का, आपका भी कुछ होना चाहिए हिस्सा उसमें जाने के लिए। बराबरी का होना, पार्टी ने समझौता किया, इंडिविजुअल ने नहीं, अपनी पार्टी बिलाय करके उनके अंदर चले जाओ, ये नहीं मान्यवर कांशीराम साहब ने करा। आप समझो बात को, रावण ने कहा किया है? नहीं, रावण ने किया, रावण ने तो अपने सम्मान का ही कंप्रोमाइज कर लिया। कहा पार्टी बिलाय कर लिया, उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी है ही क्या, कंप्रोमाइज कर लिया उन्होंने तो कंप्रोमाइज कर लिया। उनकी पार्टी किस लिए बनी है आपको भी पता, चंदा उघाओ, उनकी पार्टी सिर्फ अपना घर बनाओ और अपना कुछ करो। जिन लोगों पर सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, मुकदमा होते आज, सम्राट जी सुनिए ना, जिन लोगों पर मुकदमा होते आज भी चल रहे हैं उनके लिए क्या, सम्राट जी मेरी बात सुनिए ना, इस देश में अभी बॉन्ड आया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, सारे पैसे कांग्रेस बीजेपी लेफ्ट एक भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों को, गैर सवर्ण दलित समाज के पिछड़ों की पार्टियों को चंदा नहीं मिलता। ये सारी पार्टियां बहुजनों की चंदा से ही चलती है, सारा संगठन चंदा से चलता है, तो चंदा चोर कैसे कह सकते हैं आप? मैं चंदा चोर नहीं करूं, ये तो बीएसपी पर भी लोग आरोप ऐसे लोग लगा दें कि टिकट बेच रहे हैं। अपने पर्सनल मकसद के लिए बनाई हुई पार्टी को आप समाज की पार्टी नहीं कह सकते। चलिए चलिए, अब तमाम आलोचना मुझे बताइए, बहुजन समाज की स्थिति कैसे सुधरे? देखिए, और जिस पार्टी की, अरे बहुजन समाज की स्थिति कैसे सुधरे? पहले आप मेरे सवाल का एक जवाब लें। आप मुझे बताइए, आप सबसे बड़े ज्ञानी है, बहुजन समाज की स्थिति कैसे सुधरेगी वकील साहब, ये बताइए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की, अगर बहुजन समाज की, बहुजन समाज बोल रहा हूँ मैं, पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, बहुजन समाज की अगर जहाँ की बात करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो सारे रास्ते दिए हैं जिससे कि एक इंसान, नहीं सिर्फ बहुजन समाज की नहीं, इंसानों की भी स्थिति चेंज होती है। मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज की, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने अंदर उतारे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो रास्ता बता गए उस रास्ते पर चलें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जो कह गए उसको माने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह गए एजुकेटेड बनाओ, बच्चों को बनाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि भैया सत्ता को इकट्ठे होकर सत्ता को प्राप्त करें, और जब तुम सत्ता को प्राप्त कर लेंगे तो जब भी आप
अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इकट्ठा होना होगा। हाँ, इकट्ठा होना पड़ेगा। अच्छा चलिए आप बताइए कि बहुजन समाज पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी। हाँ देखो, बहुजन समाज पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी के लीडर बताएंगे, मगर मैं एक कार्यकर्ता होकर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कैसे कोई पार्टी चुनाव जीतती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में लोगों की वोटों से पार्टी जीतती है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि फार्मूला लगाओ जीत जाएगा। फार्मूला ये है कि लोग जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके ज़्यादा समर्थन में होते हैं, जिसको ज़्यादा वोट देती है, नंबर गेम है यहाँ पे, नंबर में होंगे। आप नंबर कैसे क्रिएट करेंगे इस बात पर बात करिए। तो कैसे करेंगे बताइए ना। ऐसे करेंगे जब भागीदारी देंगे। मानव काशीराम साहब ने बताया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी। आप जब लोगों को नेतृत्व देंगे, लोगों की जिम्मेदारी लगाएंगे, लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हाँ आपकी भागीदारी सुनिश्चित है, यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर आपकी भागीदारी सुनिश्चित है, आपके अधिकार सुनिश्चित हैं, आपसे धोखा नहीं जाएगा, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। बीजेपी तो यही कर रही है। आप आज बीजेपी तो यही कर रही है ना, सब लोगों को ये विश्वास दिला रही है कि आपके अधिकार हमारी पार्टी में सुरक्षित हैं। तो हमारे सुजीत सम्राट, मैं फिर कह रहा हूँ, सुजीत सम्राट हो, इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने संसाधन से तमाम विपरीत परिस्थितियों में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इस देश के एकमात्र बहुजनों की पार्टी है जिसका हर राज्य में दफ्तर है, हर जिले में अध्यक्ष है। एक बात बताऊं, सोचिए बिना संसाधन के बहुजन समाज किस तरह से अपने ही लोगों की आलोचनाओं में व्यस्त है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और राजेंद्र प्रसाद सिंह की वही लाइन दोहराता हूं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज के युवा, बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के बौद्धिक लोग, इंटेलेक्चुअल अपने ही लोगों की टांग खिंचाई में लगे हैं, जबकि ज़रूरत है संविधान बचाने के लिए बहुजन को एकजुट होना पड़ेगा। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर हमें समय देने के। नहीं, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और मैं टांग खींचने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं संशोधन करने में विश्वास करता हूँ और मैं रिफॉर्म करने में विश्वास करता हूँ। अगर लोग अगर अपने आप को सुधार के समाज में आएंगे तो हम स्वागत भी करेंगे, पहले भी स्वागत करा है। अगर लोगों के साथ चीटिंग किया जाएगा, समाज प्रसाद सिंह कहते हैं कि भारत में बहुजन समाज के जो लोग हैं इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि वो एक दूसरे की आलोचना करते हैं। उनका एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है कि अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों की आलोचना करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। इसलिए इस देश का बहुजन पिछड़ा, शोषित, वंचित तो नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।